गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग को पता है कि कोरोना वायरस फिर से हमारे शहर में दोबारा आ गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करें, अपने घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, जितना हो सके डिटॉक्सिन प्रोडक्ट और संतुलित आहार को अपने डाइट में ऐड करें, क्योंकि जब तक कि आप अपने इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो कोई भी वायरस हमें अटैक कर सकता है। और अभी जो सीजनेबल प्रॉब्लम चल रहा है सर्दी जुकाम का, उसमें सबसे पहले हम ही लोग को डर लग जाता है कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं है। सो डोंट वरी, हमें कोरोना से डरना नहीं है, उसे हराना है। इसलिए आज मैं लाई हूँ घरेलू टिप्स, जो आप घर बैठे कैसी भी कितनी भी खतरनाक खांसी क्यों ना हो उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई अपने किचन रूम में और ये मैंने गैस को ऑन किया और अपने तवे को हीट करने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ मसाले भूनने हैं। ये लौंग, जिसे क्लॉव कहते हैं, और ये ब्लैक पेपर, इन दोनों को हमें फ्राई करना है, वो भी हल्का, ज़्यादा नहीं। तो ये करीब एक टेबल स्पून इससे लौंग होगा और एक टेबल स्पून ब्लैक पेपर होगा। पहले हम इन दोनों को फ्राई करेंगे। तो मेरा कढ़ाई अब हीट हो गया है और ज़्यादा हीट नहीं करना है हमें, तो ये मैंने डाल दिया और इन दोनों को एक साथ भी हम हल्का फ्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे ज़्यादा मात्रा में भी भून के बना के रख सकते हैं, फिर आप कभी भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत पुराना ये सब नुस्खा है, जो कि पुराने समय से चलता आ रहा है, हमारे दादी दादा देख के युग में, क्योंकि ये क्लॉव जो होते हैं और ब्लैक पेपर, ये गर्म मसाले होते हैं और ये सर्दी जुकाम में बहुत ही असरदार नुस्खे होते हैं। और हम अपने किचन के टिप्स से अपने जो सर्दी जुकाम है उसको हम ठीक करेंगे। आज जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसमें सबसे पहले ज़रूरी बात है कि इम्यून पावर को मजबूत करना, उसके लिए बहुत सारे काढ़े बनाए जाते हैं। क्योंकि पुराने समय से जो कहावत है, जो पेट के लिए अच्छा है वो हमारे स्किन के लिए अच्छा है वो, और होता क्या है, आजकल के लोग बहुत स्टैंडर्ड होते गए, और आयुर्वेद जो है कि बहुत पुराना चिकित्सा है, उसे हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, उसे धीरे धीरे हम कैप्सूल और टेबलेट में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। लेकिन आज हमें कोरोना ने भी सिखा दिया कि हम पुरानी संस्कृति को नहीं छोड़ सकते, और शायद इसीलिए वही पुराना दादी के नुस्खे को आज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ में। क्योंकि यही सब जो चीज़ है, यही जड़ी बूटियां हैं जो हमारे नेचुरल, हमारा बॉडी जो नेचुरल है इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, और आज हम उसी से अपने किचन के छोटे छोटे मसालों से हम ऐसा नुस्खा तैयार करेंगे जो कि अभी कोरोना के पीरियड में बहुत ही अच्छा और शानदार इफेक्ट और फायदेमंद होगा। तो मैंने इसे भून लिया है, अब हम गैस को ऑफ करते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसे हम हल्का सा दरदरा सा पीसेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं मैंने इसे हल्का दरदरा पीस लिया है, इसे हम बॉल में निकालेंगे। और ये हर किसी के लिए है, चाहे आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं या फिर बूढ़े बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं या कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, आप हर किसी को दे सकते हैं जिसको खांसी है। बस अगर छोटे बच्चे हैं तो उसे 1/4 यानी कि 1/4 देना, जैसे ये एक चम्मच है, इस चम्मच का 1/4 हिस्सा देना है छोटे बच्चे को, इतना। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उसे कम से कम 1 टीस्पून या टेबल स्पून, मतलब जैसा है उसके अनुसार आपको देना है। और इसे आप दो तरह से दे सकते हैं। पहला टिप्स हम बता रहे हैं डिटॉक्सिन वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ, ये क्योंकि ये डिटॉक्सिन एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है जो कच्चा डाब से बनाया गया है और ये प्योर नेचुरली है,
ये घी से भी अच्छा आयुर्वेदिक है और इसे यूज कर सकते हैं। खांसी में बहुत अच्छा है, जिसको दमा है, खांसी है, जुकाम है, उसमें ये बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। इसको हम हल्का सा गुनगुना करके हम इसे ये फर्स्ट स्टेप रहेगा मेरा। इसे भी हम थोड़ा गरम करते हैं। ये मेरे पास न्यू पैक है, मैं खुला भी है मेरे पास, उसे मैं अभी बना के दिखाऊंगी। ये देख पा रहे हैं डिएक्शन वर्जिन कोकोनट ऑयल गरम हो चुका है। इसमें हम 2 टेबल स्पून वर्जिन कोकोनट ऑयल डाले हैं, तो इसमें हम 1/2 चम्मच जिसको हम बारीक कूटे थे, ये तो पहले ही हम फ्राई कर चुके हैं, तो इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और इसमें हल्का सा अपने स्वाद के अनुसार ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। अब ये तैयार हो गया। इसे आप गरम गरम ही उसे दे सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा ठंडा करके दें, और अगर बड़े हैं तो वो गरम गरम ही पिए। और इसको जब यूज करना है तो खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने से पहले कम से कम 1/2 घंटा के गैप होना चाहिए, और हल्का सुसुम पीना है। पीने के बाद इसे पानी, खाना कुछ भी नहीं लेना है, कम से कम 1/2 घंटा रेगुलर इसे आप इस्तेमाल करिए, बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगा फ्रेंड्स। ये नुस्खा हम आजमाए हैं और बहुत ही बेहतरीन खांसी के लिए आयुर्वेदिक टॉनिक है। आप लोग ज़रूर इसे अपने फैमिली में दें, और कोरोना के पीरियड में तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। ये हो गया मेरा पहला टिप्स। और दूसरा है वो भी हम बता रहे हैं। दूसरा टिप्स है ये हनी का हम इस्तेमाल करेंगे और अदरक का, क्योंकि हनी भी हमारे खांसी में बहुत ही फ़ायदेमंद है और अदरक भी। तो अदरक का हम 1 इंच टुकड़ा बारीक पीस कर इसका हम जूस निकालेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, मैंने छोटा सा पीस लिया है इसे, इसलिए हम इसे सिलबट्टा में ही पीस लेते हैं। आप जितना बनाते हैं उसके अनुसार क्वांटिटी लें, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसे रख लें, और जब भी ज़रूरत पड़े तो अदरक के जूस के साथ इसे दे सकते हैं। कम ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं, जैसे कि अदरक का जूस को बढ़ा सकते हैं, लौंग को बढ़ा सकते हैं, ब्लैक पेपर यानी कि काला मरीच का भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसे और कारगर बनाने के लिए आप चाहें तो इसमें डिएक्शन का टूथपेस्ट, मटर साइज और जीएल पाउडर या फिर जीएल कैप्सूल, 1 कैप्सूल इसमें मिला सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि सभी को सब चीज़ का टेस्ट पसंद नहीं है, किसी को अदरक का पेस्ट ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा भी कर सकता है, किसी को ब्लैक पेपर का टेस्ट पसंद है तो वो इसे ज़्यादा पसंद कर सकता है, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम छान लेंगे छलनी की मदद से, जिससे हमें थोड़ी सी अदरक की जूस मिल सके, और हम इसे आगे की प्रोसेस करेंगे। ये रहा अदरक का जूस रेडी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। एक न्यू बॉल लेंगे जिसमें हम 1 चम्मच हनी निकालेंगे, और ये रेडमी बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, बच्चों को पसंद है, क्योंकि इसमें हम हनी डालते हैं, मीठा है, और वो भी अच्छा है, हमें तो वही पसंद है ज़्यादा, सबकी अपनी अपनी पसंद है। इसमें भी हम टेस्ट के अनुसार, अगर बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं तो 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच ये जो पेस्ट मैंने तैयार किया है, और इसे मैंने इसमें मिक्स कर दिया, और अदरक का जूस जो हम निकाले थे इसे भी इसमें ऐड करेंगे। इसमें अगर आप चाहें तो और भी शहद का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जो भी चीज़ डाले हैं, सामग्री डाले हैं, वो तीखा है, तीखापन है,
उसकी तीखापन को मिटाने के लिए और शहद की मिठास अगर बढ़ा दें तो हल्का सा तीखापन कम हो जाएगा और इसे आसानी से कोई भी खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गया। इसे भी आप किसी को भी दे सकते हैं, चाहे तो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग महिला या फिर प्रेग्नेंस वूमेन है तो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे उंगलियों के सहायता से या फिर चम्मच के सहायता से आप यूज करिए। और इसका भी वही सेम प्रोसेस है कि अगर आप इसे जब भी इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम आधा घंटा का गैप होना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगी यही कि खाना खाने के बाद जब रात में नाइट में सोते हैं तो उस समय आप इसके इस्तेमाल करिए, क्योंकि उस समय क्या होता है, खाना पीना खाने के बाद जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो पानी नहीं पीते हैं और पानी पीना भी नहीं है। इसे आप खा के ऐसे ही सो जाइए, कम से कम 2 से 3 दिन या फिर 1 वीक, 1 हफ्ते तक इस इंग्रेडिएंट्स को, दोनों में से कोई भी फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कोई भी कैसा भी खांसी हो इससे आपका आराम हो जाएगा, खांसी हो, दमा हो या फिर कोई भी सांस से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट फ़ायदा देता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट कर ज़रूर बताएं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे पहला वाला टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जिस एलर्जी से हम काफ़ी सालों से परेशान थे उसमें हमें सिर्फ 10 दिनों में इससे रिजल्ट मिला है। बाकी है तो दोनों नुस्खा बेहतरीन, आपको जो पसंद है उसे यूज